सो हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि ईयर 2021 कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ये इस साल का लास्ट मंथ है और ये भी कुछ ही दिनों में ख़त्म होने ही वाला है और इस महीने के ख़त्म होने के साथ साथ ही ये साल भी ख़त्म हो जाएगा। एंड यस, ये बात तो सभी को ही पता है, बट इस साल काफ़ी सारी नई गेम्स भी आई थी। अब नई तो रही नहीं क्योंकि आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है वो गेम्स, और उनमें से काफ़ी सारी गेम्स लोगों को पसंद नहीं आई, बट काफ़ी सारी गेम्स ऐसी भी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, माइंड ब्लोइंग थी, ऑसम थी, अमेजिंग थी। सॉरी एंड उन्हीं काफ़ी सारी अच्छी गेम्स में से मैं आपके लिए ऐसी 10 गेम लाया हूँ जो कि ईयर 2021 में ही रिलीज हुई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी। सो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं या फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेन टॉपिक तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और बात करते हैं उस गेम की जिसे मैंने लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पे रखा है या फिर काउंटडाउन पे लास्ट नंबर पे रखा है, और उस गेम का नाम है राइडर रिपब्लिक। तो जहां तक मैं इस गेम की बात करूं तो ये गेम भी क्रू सीरीज की गेम्स की जैसी है। अब जिन्हें नहीं पता है क्रू सीरीज क्या है, वो भी एक रेसिंग गेम्स की सीरीज है और उनके गेम्स अगर आपने खेली होगी तो आपको पता होगा हम उनमें कार रेसिंग कर सकते हैं, बोट रेसिंग कर सकते हैं और एरोप्लेन रेसिंग भी कर सकते हैं। इस गेम में आपको कार रेसिंग या फिर एरोप्लेन तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट इस गेम में आपको बाइसिकल्स देखने को मिल जाएंगी, जेट पैक्स देखने को मिल जाएंगे और स्नोबोर्डिंग भी देखने को मिल जाएगी, और भी काफी सारी फन एक्टिविटीज आप इस गेम में कर सकते हो। एंड इस गेम के टेक्सचर्स, इस गेम के कलर्स एंड इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी मेन चीज है जो कि इस गेम को एक शानदार लुक देते हैं। एंड इस गेम में आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग लोकेशंस या फिर मैप्स जहां पर आप मल्टीप्लेयर खेल पाओगे रियल वर्ल्ड में, रियल टाइम में से कहीं से भी आपके कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लेयर है ना। एंड आप अपनी बाइसिकल, जेट पैक या फिर स्नोबोर्ड से स्टंट भी कर पाओगे इस गेम के अलग अलग लोकेशंस या फिर मैप्स पे। सो गाइस, ये तो बात हो गई एक रेसिंग गेम की, और वक्त आ चुका है जब हम रेसिंग कैटेगरी से सीधा जंप करेंगे हॉरर कैटेगरी में। एंड जब भी हम हॉरर गेम्स के बारे में सोचते हैं तो रेजिडेंट ईविल का नाम तो यार दिमाग में आता ही है। एंड इस साल की वन ऑफ द बेस्ट गेम जो आई थी वो थी रेजिडेंट ईविल विलेज, या फिर वन ऑफ द बेस्ट हॉरर गेम्स अब तक की जितनी भी आई है हॉरर गेम्स, उनमें से रेजिडेंट ईविल विलेज वन ऑफ द बेस्ट है सही में। एंड इस गेम के लिए मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये रेजिडेंट ईविल सीरीज से बिलोंग करती है इसलिए गेम अच्छी ही होगी, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स, डिटेलिंग सब कुछ इतने ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस गेम की, जिसके लिए यार दिखता है कि कैपकॉम ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है इस गेम के लिए। एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये गेम गेम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो सकती है। तो इस गेम में आप रोल प्ले करोगे ईथन विंटर का, जो कि रेजिडेंट ईविल बायोहैजार्ड का भी मेन करेक्टर था। तो इसमें जो आपका मेन करेक्टर है ईथन विंटर, उसका जो बच्चा है वो चोरी हो जाता है किसी विलेज के वियर्ड से रिचुअल के चलते। एंड जब ईथन उस विलेज में जाता है अपने सन को रेस्क्यू करने, तब उसे काफ़ी कुछ डरावना देखने को मिलता है, जैसे कि वैम्पायर आर्मी, मतलब वैम्पायर लेडीज जो उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक करने आती है, एंड बग्स लेडीज और सबसे बड़ी चीज लेडी डी। तो बस इतनी ही बात रखते हैं रेजिडेंट ईविल विलेज के लिए और चलते हैं अपनी 8th गेम की तरफ जिसका नाम है स्कारलेट नेक्सस। गाइस, ये गेम काफ़ी बड़ी है, मेरा मतलब इस गेम का जो ओपन वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। एंड ये गेम आपको सिमिलर फाइंड हो सकती है या फिर फैमिलियर लगेगी अगर आपने डेविल मे क्राई सीरीज की कोई भी गेम खेल रखी हो तो। इस गेम में आपको एक एवरेज सी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है एंड आर्केडी बैटल स्टाइल देखने को मिलता है आपको इस गेम में। एंड इस गेम की जो स्टोरी लाइन है वो घूमती है कुछ ऐसे लोगों के बीच में जिनके पास कुछ पावर्स है एंड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड कुछ मॉन्स्टर्स। और गेम की शुरुआत में आपको गेम इतनी कुछ खास नहीं मिलेंगी, मतलब इतने कुछ खास वेपन्स देखने को नहीं मिलते, बट जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ोगे वैसे ही वेपन्स भी आते जाएंगे, बहुत ज्यादा कूल वेपन्स आते जाएंगे, एंड वही इंजॉयबल कॉम्बैट या फिर बैटल भी आपको इस गेम में देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे कि मैंने बताया था इस गेम की जो स्टोरी लाइन है वो एवरेज है, एंड ये गेम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड ना होती अगर इस गेम का जो कॉम्बैट मैकेनिज्म है वो इतना ज़्यादा कूल, अमेजिंग या फिर ऑसम ना होता। एंड 7th नंबर पर मैंने रखा है हेलो इन्फाइनाइट। तो जब इस गेम का इनिशियल गेम प्ले पहली बार रिवील हुआ था तो लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे इस गेम के गेम प्ले को देखकर, क्योंकि हम गेमर्स ये बात जानते हैं कि जो हेलो सीरीज है या फिर हेलो गेम्स है वो एक्सबॉक्स की मेजर टाइटल्स में से एक है, बट जब इस गेम का गेम प्ले दिखाया गया वो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का नहीं एक्सबॉक्स 360 का लग रहा था, क्योंकि गेम के ग्राफिक्स रेंडर्ड नहीं लग रहे थे, PS3 के ज़माने के लग रही थी गेम। और इन्हीं सब के चलते डेवलपर्स ने इस गेम पे दोबारा काम करा और गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है अब। ऐसा मैं खुद से नहीं कह रहा, मैंने इस गेम के रिव्यूज़ पढ़े थे। एंड इस गेम में आपको सिंगल प्लेयर कैंपेन मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि हैवीली फोकस्ड है इस गेम के ह्यूज ओपन वर्ल्ड एंड ऑफकोर्स इस गेम की स्टोरी लाइन पर भी। एंड हेलो इन्फिनिट में आपको मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं 6th गेम की तरफ जिसका नाम है मेट्रोइड ड्रेड। तो अगर हम इस गेम को एक बार अच्छी तरह देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वही 2D गेम है जो कि हम गेमर्स को 20-19 साल पहले मिल जानी चाहिए थी जब मार्वल वर्सेस कैपकॉम के पिक्सेलेटेड गेम्स आया करते थे।
हाँ बट इसका ये मतलब नहीं है कि गेम बेकार है, गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। खासकर इस गेम में जो बॉस बैटल्स दिखाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, एंड इस गेम का जो कॉम्बैट है या फिर फाइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और ये गेम निंटेंडो स्विच के लिए आई है और निंटेंडो स्विच का पूरा पोटेंशियल यूज़ करती है ये गेम, एंड मेरे ख्याल से ये गेम 90s के गेमर को 2D व्यू के साथ नॉस्टैल्जिया भी दे सकती है। तो अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ जो कि है लॉस्ट जजमेंट। तो अगर आपने याकूजा गेम खेली होगी तो आपको ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लगेगी, क्योंकि दोनों ही गेम्स एक ही डिस्ट्रिक्ट पे बेस्ड है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि जजमेंट याकूजा का पार्ट है कि नहीं, बट मुझे इतना पता है कि दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट पे बेस्ड है और दोनों का जो कॉम्बैट है और स्टोरी लाइन वो भी एक जैसी है लगभग। बस इसमें आप एक माफिया का मेंबर होने के बजाय एक लॉ एनफोर्समेंट होते हो, और ये गेम रियली काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक है। अगर हम बात करें इस गेम के स्टोरी लाइन की या फिर कॉम्बैट की, इन सब मायनों में ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि इस गेम में इतनी कुछ परफेक्ट नहीं है, जैसे कि इस गेम का चेजिंग सीक्वेंस वो इतने कुछ GTA या फिर स्लीपिंग डॉग के लेवल का नहीं है। एंड इस गेम में और भी काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ है करने के लिए, जैसे कि आप इस गेम में स्केटबोर्डिंग भी कर सकते हो और बॉक्सिंग भी कर सकते हो। और मेन चीज़ जो कि आपको इस गेम से चिपकाए रखेगी या फिर इस गेम को खेलने पर मजबूर कर देगी वो है इस गेम की स्टोरी लाइन, जो कि सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी चीज़ इस गेम का कॉम्बैट, जो कि सही में काफ़ी ज़्यादा ऑसम या फिर अमेजिंग है। एंड फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है मॉन्स्टर हंटर राइज को। तो इस गेम का जो ओपन वर्ल्ड है वो बेस्ड है मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड के ओपन वर्ल्ड में, एंड इस गेम को बनाया गया है रेजिडेंट ईवल इंजन में। एंड जब आप इस गेम को खेलोगे तो आप इतना कुछ डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाओगे, कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा मॉन्स्टर हंटर राइज और मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड में। एंड फिर भी इस गेम में कुछ न्यू फीचर्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, एंड इस गेम में आपको जो इन्वेस्टिगेशन स्टफ है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा और इस गेम में आपको कॉम्बैट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और हालांकि जो मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड है वो ज़्यादा अच्छा है दिखने में मॉन्स्टर हंटर राइज से, मतलब उसके ग्राफिक्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, बट जो मॉन्स्टर हंटर राइज है वो काफ़ी, मतलब उसका जो गेम प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा फन है, मतलब उसके गेम प्ले को खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। और यही चीज़ है जो दोनों गेम्स को थोड़ा सा डिफरेंट बना देती है। एंड ये गेम अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड निंटेंडो स्विच के लिए। और अब चलते हैं उस गेम की तरफ जिसे मैंने इस लिस्ट पे थर्ड नंबर पर रखा है, एंड उस गेम का नाम है एसेंट। तो ये एक एक्शन RPG गेम है जो कि सेट है एक साइबरपंक ओपन वर्ल्ड में, एंड इस गेम का जो साइबरपंक ओपन वर्ल्ड है या फिर जो वर्ल्ड है वो सही में काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर मैं और अच्छी तरह बताऊं तो ये बेस्ट लुकिंग साइबरपंक गेम है ऑफ ऑल टाइम, एंड जिस तरह इस गेम का गेम प्ले है ये आपको थोड़ा डियाब्लो टाइप के गेम्स का भी वाइब देगा। एंड ये गेम आपको प्रोवाइड करती है ट्विन स्टिक शूटिंग एलिमेंट जो कि सही में काफी ज्यादा अच्छा है, बट यहाँ पर थोड़े कपल ऑफ माइनर कंप्लेंट्स भी आए हैं इस गेम को लेकर, और वो कंप्लेंट था इस गेम का कैमरा एंगल। अब चलो भी यार, ये कोई इशू थोड़ी ना है। तुम्हारे इतने से कहने पर तुम क्या सोच रहे हो, गेम के डेवलपर वापस गेम को लेकर बैठेंगे और पूरी गेम का कैमरा एंगल चेंज करेंगे? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ इस गेम में अवेलेबल हो रखे मोड्स की, तो इस गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड और मल्टीप्लेयर मोड दोनों ही अवेलेबल है। एंड ये गेम सही में बेस्ट मिक्सचर है साइबरपंक 2077 और डियाब्लो का। तो क्यों ना अब बढ़ा जाए अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जिसका नाम है डेथ लूप। तो इस गेम को पब्लिश किया है बेथेस्डा स्टूडियो ने, एंड ये गेम अवेलेबल है PS5 एंड PC के लिए, एंड इस गेम को डेवलप किया है आर्केन स्टूडियोज ने या फिर आर्केन ने, ये वही कंपनी है जिन्होंने डिसऑनर और प्रे जैसी गेम्स पे काम करा था, और लोगों को उन गेम्स का फ्लो और कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और डेथ लूप की जहाँ तक मैं बात करूँ, इस गेम का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इस गेम में आपको देखने को मिलती है एंडलेस डेथ बैटल बिटवीन टू असासिन्स। तो इस गेम में आप टाइम लूप्स को रिपीट कर पाओगे, एंड वो टाइम लूप्स डिवाइडेड होते हैं 4 डिफरेंट पार्ट्स में, और वो सब हम सभी जानते हैं मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून एंड नाइट। इस गेम में कोई सा भी सर्टेन इवेंट, कोई सा भी टाइम या फिर कोई से भी सर्टेन लूप में हो सकता है, एंड इस गेम में जो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है वो है कि आप अपने लूप्स को या फिर अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना चाहते हो। एंड किसी भी गेमर को गेम में पसंद आते हैं वेपन्स, एंड इस गेम में वेपन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाए गए हैं, मतलब वेपन्स के डिज़ाइन और करेक्टर डिज़ाइन और वही साइफाई एनवायरनमेंट, ये सब आपको इस गेम में देखने को मिल जाता है। एंड इस गेम के बारे में आप ये भी कह सकते हो कि ये गेम वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि 2021 में रिलीज हुई है। एंड अब चलते हैं फर्स्ट नंबर पर, एंड फर्स्ट नंबर पर मैंने जिस गेम को रखा है उसका नाम है फार क्राई 6।
तो ये गेम एक ग्रेट एग्जांपल है एक सर्वाइवल ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम का। एंड इस गेम में आपको एक ग्रेट विलन भी देखने को मिल जाता है जिसका नाम है एंटोन कैस्टिलो, जो कि प्ले करा गया था उसी एक्टर के जरिए जिसने ब्रेकिंग बैड सीरीज में गस का कैरेक्टर प्ले करा था। एंड इस गेम में आप अपनी पसंद के हिसाब से मेल या फिर फीमेल कैरेक्टर भी चूज कर सकते हो जिसके जरिए आप गेम को खेलोगे। एंड एज अ फायर क्राई इंस्टॉलमेंट इस गेम से आप वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि आप एक फायर क्राई गेम से एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि एनिमी बेसिस, एनिमी चेक पॉइंट्स एंड एक अच्छी स्टोरी लाइन, एक अच्छा विलन और एक अच्छा ओपन वर्ल्ड जहां पर आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इन गेम में आप अपने वेपन्स को कस्टमाइज या फिर अपग्रेड भी कर सकते हो और बदल सकते हो उन्हें उन वेपन्स में जिन्हें आप इस गेम में सही में चलाना चाहते हो। एंड फायर क्राई 6 सेट है यारा में, जो कि बेस्ट लुकिंग फायर क्राई लोकेशन है। और जैसे कि मैं हमेशा फायर क्राई सीरीज के बारे में बात करता आया हूँ, इस गेम में आपको स्टील्थ गेम प्ले भी देखने को मिल जाता है और उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो अपने एनिमीज को डिस्ट्रक्टिव वे में भी मार सकते हो, मतलब ग्रेनेड फेंक कर एक बार में मार दो यार सबको, काम खत्म। और आपको गेम की स्टोरी लाइन समझाने के लिए कटसीन्स भी दिखाए गए हैं जो कि ज्यादातर गेम में होता ही है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये गेम काफी ज्यादा अच्छी है। सो यस गाइस, मैं आपको टॉप 10 बेस्ट गेम्स ऑफ ईयर 2021 बता चुका हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बाकी लाता रहूँगा मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस। गुड बाय।